हेलो बच्चों, ये हमारा मेल जेनाइटल ऑर्गन यानी कि नर जननांग का बाहरी भाग है। तो इसका 3D व्यू है ये। तो दिखने में आपको लग ही रहा होगा ये पेनिस है, ये स्क्रॉटम है। लेकिन हम अगर इसको पीछे से देखें, जो अंदर की तरफ का भाग है, पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है, यानी कि मलाशय होगा यहाँ पे। मलाशय का अग्र अंतिम भाग है जो कि बाहर वेस्ट निकालेगा, पॉटी वगैरह जो है। तो पाचन तंत्र जो खुलता है वो आपको पता है आगे की तरफ खुलता है, एनस जिसको हम कहते हैं या गुदा कहते हैं। तो ये गुदा है जो नीचे की तरफ होती है और ये उसका मार्ग है। यहाँ पे आपको एक और ट्यूब दिख रही होगी, और ये जो ट्यूब है, आपको पता है कि नर में मूत्र और जनन मार्ग जो है, जहाँ से सीमन निकलता है, दोनों एक ही जगह पे कॉमन हो जाते हैं। यहाँ पे शुक्राशय होता है। शुक्राशय से आने वाली जो नली है, जो सीमन लेकर आती है प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है यानी कि मूत्राशय। मूत्राशय से आने वाली मूत्र नली दोनों मिल जाती हैं, तो एक कॉमन नली बनाती है जिसको यूरिनोजेनाइटल ट्यूब कहते हैं, यानी कि मूत्र जनन नलिका कहते हैं। तो ये वो है। और ये जो है ये पेनिस के अंदर खुलती है, यानी कि शीशन के अंदर खुलती है। तो ये शीशन है। अगर हम आगे की तरफ से देखें इसको, तो ये स्क्रोटम है यानी कि वृषण कोश, जिसमें वृषण रहते हैं, दो टेस्टिस वृषण, एक इधर और एक इधर। तो ये कुछ ऐसा सा फोल्ड होता है दो लेग्स के बीच में। ये पेनिस है। पेनिस का अग्र हिस्सा जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसे हम शीशन मुंड कहते हैं यानी पेनिस ग्लांस कहते हैं। ये वो छिद्र है जहाँ से मूत्र और सीमन निकलेगा, यानी कि ये वाला ट्यूब ओपनिंग है, जिसको मूत्र मार्ग भी कह देते हैं जनरली, लेकिन ये कॉमन है। ये जो स्किन का फोल्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, जिसको हम अग्रच्छद यानी कि फोर स्किन भी कहते हैं। तो मेल में ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन थोड़ा सा टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो भी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये था हमारा नर जननांग।